मित्रों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश संसद में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा दाता भाई नरोजी, जो कि एक पारसी थे और जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी एक बुक बहुत प्रसिद्ध हुई थी, फेमस हुई थी, उसका नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट सर्वोदय, यानी सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है उसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक गांधी जी हैं। अगर हम बात करें सर्वोदय है क्या, सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय और सबका विकास, यानी सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति, यह है सर्वोदय। अगर हम बात करें डिटेल में तो जॉन रस्किंस की एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, तो उसको गांधी जी ने पढ़कर स्टडी करके उसका अनुवाद गुजराती में किया, जो सर्वोदय का एक स्रोत माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगर हम बात करें सर्वोदय के उद्देश्य के बारे में, यानी कौन कौन से उद्देश्य हैं सर्वोदय के जिनका होना बहुत जरूरी है। पहला, आत्म संयम, आत्म संयम बहुत जरूरी है। दूसरा, शोषणहीन समाज। तीसरा, सर्वांगीण विकास, लोक नींद के आधार पर शासन। और सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है अगर समाज में उन्नति, समाज में अगर सबके हित की बात अगर करनी है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायती राज सिस्टम है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडेप्टेड फ्रॉम, यानी संसदीय तंत्र की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई, किस कंट्री से ली गई? तो इसका आंसर होगा यूके, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जो लिए गए हैं ब्रिटिश संविधान से, तो पहला तो यही हो गया। दूसरा, अगर बात की जाए तो रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। नेक्स्ट की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी विधायी प्रक्रिया। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों का कैबिनेट तंत्र। प्रेरोगेटिव राइट्स यानी विशेषाधिकार लेख। और बाई कैमरल पार्लियामेंट यानी द्विसदनी संसद। हमारे भारत में कौन से इतने स्टेट हैं, यानी कौन कौन से वो स्टेट हैं, राज्य हैं जो बाई कैमरल हैं, यानी जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली दोनों हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो अगर बात करें हम अमेरिका के बारे में, तो यूएसए से सबसे इंपॉर्टेंट जो लिया गया है हमारे संविधान में वो है लिखित संविधान, यानी विश्व का ऐसा पहला कंट्री अमेरिका जिसका लिखित संविधान था, और विश्व का ऐसा पहला कंट्री जिसमें जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। तो हमने वहां से कॉपी किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखित संविधान। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तथा न्यायिक समीक्षा कह लें उसको हम। आगे बात करें अगर हम सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जो कि एक सेना का प्रमुख होगा, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और प्रियम्बल, ये सब लिए गए हैं अमेरिका से। आगे देखते हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में संविधान का जो पूरा एक कुंजी है वो किसे कहते हैं, और उसको किस व्यक्ति ने भारत में तैयार किया जो प्रियम्बल बना, प्रियम्बल कहलाया? अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी पहला था, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के बीच संबंध। अगर आगे बात करें हम, तो फ्रीडम एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की भाषा।
ज्वाइंट सेटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। हमारे संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। आगे देखते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। हमारे संविधान में जो राज्य के मूल तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करें आयरलैंड में कहाँ से लिए गए, तो वो स्पेनिश से लिए गए। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वेन इंडिया वॉज गिवन इंडिपेंडेंस, यानी जब भारत को आज़ादी स्वतंत्रता दी गई उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। इसका आंसर होगा क्लेमेंट एटली पहले। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वॉज हेल्ड इन कनेक्शन विद, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार किस संबंध में की गई, तो इसका आंसर होगा दहेज उन्मूलन बिल या फिर विधेयक, डाउरी अबोल्यूशन सिस्टम या बिल के ऊपर पहली बार दो सदन आपस में मिले बुलाए गए। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कौन है जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा लोकसभा का स्पीकर। अच्छा, यदि अगर स्पीकर हट जाए, स्पीकर अब्सेंट हो, ना हो उपस्थित लोकसभा में, तो कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, बाई विच बिल द गवर्नमेंट प्रपोजेस द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर अ ईयर, यानी किस बिल या विधेयक से सरकार एक वर्ष के लिए राजस्व का संग्रह प्रस्तावित करती है, तो इसका आंसर होगा फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। हमारे संविधान के अंदर वित्त विधेयक, धन विधेयक और बजट की बात की गई है, तो कौन कौन से वो आर्टिकल हैं जो डील करते हैं फाइनेंस बिल से और बजट से और मनी बिल यानी धन विधेयक से। हकीकत में हमारे संविधान में बजट नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ है, बजट के स्थान पर कुछ और मेंशन किया गया है, वो क्या किया गया है कमेंट करके बताना, बेहद खुशी होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, अगर राष्ट्रपति की इच्छा होती है रिजाइन करने की, तो वो किसको अपना इस्तीफा देता है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को। अच्छा, अगर उपराष्ट्रपति की इच्छा हुई रिजाइन करने की, तो उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है हमें, जिसे पता चले कि कितना इंटरेस्ट आप लोगों को है जनरल स्टडीज के अंदर, जीएस के अंदर, जीके के अंदर। हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर होगा मीरा कुमार। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो इसका उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलांकर। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में कि कौन थी, ये हमारे भारत की किसी राज्य की सबसे पहली गवर्नर थी, महिला गवर्नर बनी, और वो कौन स्टेट था, तो स्टेट का नाम यूपी था, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें सुमित्रा महाजन जी, तो कमेंट करके बताना कि सुमित्रा महाजन जी कौन है, वर्तमान में वो किस पोस्ट पे हैं भारत सरकार में, स्मृति ईरानी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। आगे देखते हैं, अंडर विच प्राइम मिनिस्टर यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, समय में भारत में 73वां और 74वां संशोधन लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, भारत के अंदर 1991 में जो इकोनॉमी के सुधार किए गए यानी आर्थिक सुधार किए गए, वो किसके समय में किए गए, उस समय भारत के पीएम कौन थे जब भारत में एलपीजी को लागू किया गया, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ द सिक्स शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच वन द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी हमारे संविधान के छठवें अनुसूची में प्रस्तावित जो भी राज्य हैं उनमें से ऐसा कौन सा है जो
यहाँ पे हमें फाइंड करना है जो नहीं है। देखिए हमारे संविधान के 6वें अनुसूची में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इसका उत्तर गोवा होगा, गोवा नहीं है। अच्छा ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है, अप्लाई है, कमेंट करके बताइएगा। और वो क्या होता है और वो किस आर्टिकल में मेंशन है। 12 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट वेमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन थी। तो इसका आंसर होगा एम फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा अगर हम बात करें लीला सेठ के बारे में, तो लीला सेठ जो थी वो भारत में किसी स्टेट की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। आगे देखते हैं, और अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, यानी प्रतिभा पाटिल, तो ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 13 देखें, अगर विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद इसमें है। तो इसका आंसर 58 होगा। अच्छा 52, 55, 51 इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, चलिए देखता हूँ उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है। 14, सामान्य बिल जो है वो पेश कहाँ हो सकता है, यानी ऑर्डिनरी बिल कहाँ कहाँ पेश हो सकता है। तो इसका आंसर लोकसभा होगा, राज्यसभा, यानी सी इसका आंसर होगा, ये दोनों जगह पेश हो सकता है। अच्छा ऐसा कौन सा बिल है, ऐसा कौन सा विधेयक है जो सिर्फ लोकसभा में ही पारित हो सकता है, राज्यसभा में नहीं, और राज्यसभा उसको 14 दिन से अधिक होल्ड नहीं कर सकती। अगर होल्ड करती भी है तो भी वो बिल पास माना जाएगा। आगे देखते हैं 15 पे, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत, पहला इसका आंसर होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाता रहूँगा, और इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट।